कांवड़ योग का आना निरंतर जारी है। कल जलाभिषेक होना है। आज लगातार तीसरे दिन टीम रघुवीरा ने अपने शिविर में आने वाले कांवड़ियों की सेवा की, उनका भोजन इत्यादि का प्रबंध किया और दवा इत्यादि भी लोगों को लगाई। कांवड़िये शिविर में आकर काफी प्रसन्न हुए। टीम रघुवीरा के संयोजक वरुण तिवतिया ने बताया कि रोजाना ही सैकड़ों की तादाद में भक्तजन आ रहे हैं और लगातार आज तीसरा दिन है। हर साल यहाँ पर कांवड़ शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें शिव भोले के सैनिकों की सेवा की जाती है। आपका जी वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, किसी गांव में कौन से गांव से? धौलागढ़। धौलागढ़, कोई पद वगैरह है आपके पास? नहीं, हमारे दादाजी सरपंच थे, अभी हमने पार्षद का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, तो कांवड़ लेकर आए हो आप लोग? हाँ, छोटा भाई लाया, उसके साथ आए हैं गाड़ी से। कितने लोग हो आप लोग? हम 5-6 लोग हैं। अच्छा, कांवड़ लेकर आए तो रास्ते में कोई दिक्कत? रास्ते में दिक्कत परेशानी कुछ ऐसी नहीं, बस थोड़ा सा दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था की प्रॉब्लम थी, और यूपी में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। यूपी में अच्छे शिविर हैं, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे हरियाणा का प्रशासन भी बहुत अच्छी मदद कर रहा है, और यहाँ तक कि केली पुल पे पुलिस वालों ने, जबकि शिविर साइड में लगे हुए हैं बाईपास रोड पर, नहर वाले रास्ते पर आ रहा है, खुद अपने आप 2-3 जहाँ पे चेक पोस्ट है वहाँ पे खुद उन्होंने बैनर लगवा के और खुद अपनी बैठने की, वहाँ खाने पीने की, कांवड़ धुलाने की व्यवस्था कर रखी है। तो ये अब जिसमें आए हुए आप यहाँ पर? जी 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 जी। यहाँ पहले भी आए हो? यहाँ पे, यहाँ तो हम पहली बार ही रुके हैं। अच्छा। जी जी। क्या महसूस हो रहा है आपको कांवड़ लाकर? देखो जी, कांवड़ भाई ला रहे हैं और अपने बाबा की, भोले बाबा की भक्ति कर रहे हैं, वो अपना श्रद्धापूर्वक ला रहे हैं, सब अपना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आजकल एक भजन बहुत चल रहा है। जी, मैं भोले पलवल से आया। नहीं जी, भोले बाबा से नोट छापर की मशीन। हाँ जी, हाँ जी, भोले बाबा से नोट छापर की मशीन क्यों मांग रहे हैं? देखो जी, भोले बाबा नोट छापन की मशीन, ये युग
कर्मयोग है, कलयुग जो कलयुग है कर्मयोग है। इसमें तो जी जब कर्म करोगे तो नोट छापने की मशीन क्या फैक्ट्री खुल जाएगी अपने आप नोट छापने की। भोले बाबा तो आपके कर्मों के अनुसार फल देंगे ना। और एक पलवल का कौन सा भजन है? मैं भोले पलवल से आया जी। एक गुनगुना के दिखा लो। मैं भोले पलवल से आया। जय भोले। क्या नाम है आपका जी? माया देवी। कहाँ के रहने वाले? पलवल से। ये साथ कौन है आपके? ये मेरा नाती, वो देवता है। देवता कितने साल का है ये? नौवीं साल में चल रहा है ये। अच्छा, पहले भी कभी देवते को ले गए हो या आज पहली बार? नहीं, दूसरी है। आपकी कौन सी है? कावड़ मेरी 24वीं है। 24 आठ हरिद्वार से, 16 गाँव से। अच्छा, तो ये जो कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो क्या उद्देश्य रहता है आपका? उद्देश्य तो बस कुछ ना, भाई यही सोचते हैं कि बस भोले बाबा बुलाए जाए और हम आए जाए। और हेल्थ भी बढ़िया रहती है आप लोगों की? हाँ, हेल्थ बढ़िया है, शरीर घटता है। अच्छा, रास्ते में क्या कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, वैसे तो पीछे से तो आई नहीं रही, इधर चंदावली वाले रोड पे पीछे कोई शिविर नहीं है। अच्छा, तुम्हारी ये खेड़ी पुल है उसको इधर कोई शिविर नहीं लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे आए हो, यहाँ पे कैसा लग रहा है, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। तो अभी अंदर घुसे हो, व्यवस्था आपने पहले देख रखी है यहाँ की? हाँ जी, देख रखी है। ये हमारे मंडी के बनिया है जिन्होंने ये लगाया हुआ है। मंडी के जाट है? अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। थोड़ा तेज बोलो। सौरभ, थोड़ा तेज बोलना। कांवड़ उठाते हुए कोई दिक्कत तो नहीं आई है? क्या बोलते रहे? जयकारे कौन कौन से लगाए हैं? इसने लगाया जयकारे बोले तेरी बम, बोले तेरा धूम धड़का, हुक्का हुक्का। एक वो नहीं गाया आप लोगों ने, भोले बाबा दे दे तू नोट छापण की मशीन? हाँ, सुना है, सुना। सुना ना? रास्ते में सुना, बोल तो बोलता है तू पहले। जी, बस सुना। उदास है ये? नहीं, उदास नहीं है, आगे का भाग रहा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज, मैं हूँ पलवल से, गांव धौलागढ़ से। हमने 5 तारीख को जल उठाया था और पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही अच्छी सुरक्षा दी थी और आगे यूपी में बहुत ही अच्छी सुरक्षा मिली। कितने किलोमीटर का सफर तय कर आ रहे हो? 300 बराबर पलवल 300 पड़ता है। चले थे 5 तारीख को शाम को। 5 तारीख को शाम को तभी क्या व्यवस्था रही है? एक नंबर सौदा, हर जगह एक नंबर सुविधा मिली थी। हर 500 मीटर नलका था योगी सरकार में और पुष्कर सिंह धामी में भी। दिल्ली में आकर निकाले गंद, केजरीवाल ने कोई पुलिस वाले साथ नहीं दिए, खुद रात को कांवरे खुद लेके लेते। हरियाणा सरकार ने वो साथ दिया था। अच्छा, जैसे रास्ते में आते हो तो दुर्घटना होने का डर रहता है? नहीं नहीं, अब यूपी में कुछ नहीं था, हरियाणा में भी कुछ नहीं था, बाकी दिल्ली में जो घुसे थे बहुत ज़्यादा खतरा था क्योंकि जनता ही बहुत वो निकम्मी है। अच्छा। जो साथ नहीं दे रही, कांवरिया खुद बेचारे निकल के अपना भर दे, पुलिस वाले नहीं बैठे पड़े थे। वजह क्या है? दिल्ली वाले कांवरिये को देखते क्यों इस तरीके पर करके? भाई ये तो उनको पता है, जितने यूपी में एक नंबर बाबा। हर 500 मीटर में नलका मिला था, हर 500 मीटर। क्या मन्नत मांग के आते हो आप लोग? भोले बाबा अच्छो, अपना देश चलता रहा, हिंदू राष्ट्र ध्वस्त बन जा, और का चाहिए। कांवड़ लेकर आते हो आप लोग तो जब पैदल आते हो तो जो सुरक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे हो हरियाणा में अच्छी रही है तो? नहीं, हरियाणा में जो हम चढ़े थे फरीदाबाद से दिल्ली में आते, एक नंबर सुरक्षा, डीसी रात में घूम रहा था गाड़ी लेकर आगे, बाकी दिल्ली में घुसे थे दिल्ली में कोई सुरक्षा नहीं थी, पुलिस वाले आराम से बैठ पड़े थे। अच्छा, जो कांवड़ी शिविर है, जैसे ये वाला कांवड़ी शिविर, रास्ते में और भी शिविर थे? हाँ, बहुत सुरक्षा, बहुत ही अच्छे शिविर लगा रहे थे गांव वाले ने, खतौली वाली नहर पे हर 500 मीटर नलका, हर आगे हर शिविर, बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, दवाई डॉक्टर फॉक्टर सब चीज़ इलाज तक यूपी सरकार। बीच में एक तो दुर्घटना भी हुई है, मौत का शिकार हुए कांवड़िए, क्या कहेंगे? नहीं, उसके बारे में नहीं पता, जो अनऑटोर सुल्पा पीक चला हुआ कि हम तो कोई और नहीं है, भोले बाबा ने थोड़ी की सुल्पा पीक का हो। अच्छा, वाहन चालकों के लिए क्या कहेंगे? सड़क पर जाए, वाहन चालक अपने देख के चले और कांवड़ियान को थोड़ा हटके चले, अभी ये भी दारू पी के अनाधुन चल रहे भाई, हम पे वहाँ के लास्ट है ना जी। हमारा वैभव क्रांति चैनल है, लाइक सब्सक्राइब करोगे? कदे करेंगे जी, कोई दिक्कत ना। बोल शंकर भगवान की जय। भोले का कुछ वो बता दो आपकी, क्या 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 जयकारा लगाते हुए आते थे? बस जयकारा तो घोटी तोड़ बाबा की जय। अच्छा, ये बताओ कांवड़ शिविर का बताइए, कब से लगा है और क्या क्या सेवा कर रहे हैं ये? जी, हमने 12 तारीख से चालू किया है और उसी दिन से भोले की सेवा में लग रहे हैं। और जो हमारे विधायक जी हैं रघुवीर सिंह तेवतिया जी, वे हर साल इसको लगाते हैं और पूरी तादाद में हमारे यहाँ भोले आ रहे हैं, उनको प्रसाद सुबह शाम जो भी है अपने हिसाब से हम बहुत अच्छे तरीक़ा से। क्या क्या सेवा करते हो आप लोग अपना जी? जैसे जी हमारे सोने का इनका बिस्तर लगाते हैं,
खाना खिलाते हैं, और जो भी जैसे भी हमने एक ये मेडिकल, वो भी हर जगह मेडिकल की सुविधा नहीं है, हमने स्पेशल मेडिकल की सुविधा करवा रखी है कि कोई भी आओ अपना ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पैदल चलने में इस वजह से, और सुबह शाम दोपहर को खाने की व्यवस्था है और नाश्ते की व्यवस्था है। अच्छा, जो शिव भोले भक्त है वो प्रसन्न होकर जाते हैं? बहुत ज़्यादा खुश होकर जाते हैं, और जो बीच में 10-20 शिविर छोड़ के यहाँ ज़रूर रुकते हैं, और हमारे 10-20 आदमी हाथ जोड़ के, ज़बरदस्ती भोलों के हाथ जोड़ के अपने एक बार कांवड़ को झुलाओ यहाँ, और उसके बाद कुछ खा पी के ले के जाओ। ऐसे भी कई शिव भोले कांवड़ी होंगे जो हर साल आते होंगे? हाँ जी, यहाँ पहले ही पता होता है, 25 किलोमीटर पहले ही पता होता कि हमारा वहाँ शिविर, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, लौटने बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, नहाने धोने की सब चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ। क्या नाम है? बड़ा तेज बोलना, क्या नाम है? दक्ष। दक्ष कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो? थोड़ा तेज बोलो बेटा। रायपुर से। अच्छा, किसके साथ आए हो? ये सारी बातें तेज आवाज में बोलो, किसके साथ आए हो? पापा के साथ। अच्छा, पहली बार आए हो, कई बार आ चुके हो? पहली बार आया। मन लग गया कांवड़ उठा के बम बम भोले करते हुए? मन लग गया? हाँ बोले, मन लग गया। आपके साथ है जी, क्या नाम है आपका जी? नितिन। नितिन जी, क्या लगता है आपका? बेटा। बेटा है, पहली बार आया ये? पहली बार। कहाँ के रहने वाले हो आप? रायपुर। रायपुर, तो कांवड़ आप कितनी बार लेके आए हो? 15। 15 बार। तो रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। सड़क खराब हो, पुलिस नहीं हो, राहत शिविर नहीं हो? सब बढ़िया बोले। सब बढ़िया, सब बोले। क्या कहना चाहेंगे? सब बढ़िया। जल कब चढ़ाओगे? कल। कल चढ़ाएंगे जल, कल चढ़ेगा। जी शिविर लगाया है, प्रभु की कृपा हुई है, सावन चल रहा है और भोले अपने रंग में आ गए और कांवड़ लेके सब चल पड़े हैं, तो जितना हमसे हो सकता है हमारी पूरी जो टीम है साथ लगी हुई है, दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमसे प्रयास हो सके। हमने दवाइयों का भी शिविर लगा रखा है कि किसी भोले को कोई दिक्कत आए, मेन दिक्कत जो उनके पैरों में छाले होते हैं उसमें जो हम थोड़ी सी मरम पट्टी लगा सकें या उनको साफ करा सकें, यही हमारा उद्देश्य है। कब से चल रहा है? ये 12 तारीख से चल रहा है, आज तीसरा दिन है इसको। रोजाना लगभग कितने जो कांवड़िए हैं वो आपके पास? सैकड़ों कांवड़िए आते हैं, हजारों कांवड़िए आते हैं जी, गिनती तो कोई होनी, भोले की कृपा है, जितने आ जाए सबकी सेवा जितनी हमसे हो सकते, पूरी सब साथी लगे हुए हैं, पूरे यहाँ आसपास के भाई जी तो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, जो परिवार के हैं सब टीम रघुवीरा लगी हुई है यहाँ पे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।